राष्ट्रीय बजरंग दल एवं नारी जनजागृति संस्थान ने संयुक्त रूप से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान के नाम एसडीएम मृदुल सिंह को ज्ञापन दिया। संगठन द्वारा मकर ध्वज बालाजी धाम के महंत प्रकाश नाथ शास्त्री के नेतृत्व में एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में वर्तमान में देश और प्रदेश में हर और अपराध बढ़ता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों में कानून व्यवस्था एवं पुलिस व्यवस्था का भय ही समाप्त हो गया है। ज्ञापन ने बताया गया कि ब्यावर उपखंड में भी हत्याएं, लूटपाट तथा सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिलती है। विशेषकर युवाओं में छोटे छोटे समूह गिरोह के रूप में लड़ाई झगड़ा कर शहर की शांति भंग कर रहे हैं। ज्ञापन ने बताया गया कि हाल ही में ब्यावर में युवा अधिवक्ता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ज्ञापन में बताया गया कि आम आदमी के बच्चे घर से बाहर पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो अभिभावक तब तक मानसिक रूप से परेशान रहते हैं जब तक उनका बच्चा घर सुरक्षित नहीं लौट आता। अभिभावकों को यह डर बना रहता है कि क्या मेरा बच्चा सुरक्षित घर आएगा या नहीं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। संगठन पदाधिकारियों ने मांग की है कि पुलिस ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हेतु उचित कदम उठाए तथा देर रात्रि को चौपाटियों पर घूमने वाले समूहों, होटलों और ढाबों पर ग्रुप में इकट्ठे होकर उत्पात मचाने वाले, रोड पर अंधाधुंध वाहन चलाने वाले ऐसे लोगों पर थाना अधिकारियों को सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी करें। वर्तमान में यह स्पष्ट है कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। आम आदमी ऐसी घटनाओं को सुनकर भी भयभीत रहता है। एक साधारण आदमी डर और भय के माहौल में जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहा है। नारी शक्ति मंच सचिव सावित्री देवड़ा ने बताया कि गुरुवार को प्रदेश के भीलवाड़ा शहर में हुई घटना इसका पुख्ता सबूत है। आज का युवा सीधा सीधा खून का बदला खून वाली परिपाटी सीख रहा है जो देश और समाज के लिए काफी घातक है। ऐसे में कानून व्यवस्था को सख्त करना तथा पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निपटने के दिशा निर्देश के साथ आधिकारिक शक्तियां भी दी जाए ताकि अपराधियों पर सख्त कार्यवाही हो सके। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष हेमंत कुमावत, उपाध्यक्ष मुकेश सोनी, जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष महावीर कुमावत, नगर मंत्री कपिल जलवाल, मंत्री सत्यनारायण बालोतिया, नारी जनजागृति अध्यक्ष ममता गुप्ता, सचिव सावित्री देवड़ा, कोषाध्यक्ष भावना कुमार, कोषाध्यक्ष नरेंद्र आर्य, यश त्रिपाठी, विजय भट्ट, अनिल सोनी, नगर उपाध्यक्ष दिनेश प्रजापत, चांदमल कुमावत, बालाजी सोनी, ममता जालवाल, शशि शर्मा, राजरानी गुप्ता, नीतु सैनी, कांता नामा, जनक मंडोरा, मिक्की होड़ा तथा मनीष कुमावत आदि शामिल थे। राज्य के डीजीपी महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जिसमें शहर में बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एवं पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने एवं उनको शक्तियां प्रदान करने के लिए ज्ञापन दिया, क्योंकि शहर के अंदर गुंडाराज बहुत ज्यादा पनप रहा है। जगह जगह आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, नशे का व्यापार फल फूल रहा है। उसके अलावा असामाजिक तत्व स्कूलों पर सवेरे शाम को जब बच्चियां छूटती है वहां जाके खड़े होते हैं, बच्चों को छेड़ते हैं, विरोध करने पर उनसे मारपीट करते हैं, गुंडा गैंग पनप रही है। इसके लिए आज हमने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि शहर में, क्योंकि अब गैंग जो पनप रही है, गैंग सीधी आजकल गोली मारने तक की बात है या सीधी गोली चला रही है, तो ऐसी चीजें पर प्रशासन जो अंकुश लगा रहा है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा सख्ती बरतने की आवश्यकता है। ज्ञापन दिया है यहाँ पे एसडीएम साहब को कि जो ब्यावर में दिन रात जो आक्रोश बढ़ रहा हैगा और जो डर पैदा हो रहा है सभी क्लब्स में, लेडीज में, इस तरह से तनाव मुक्त किया जाए और जो भी सुरक्षा पुलिस का जो डर होना चाहिए वो लोगों में से खत्म हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता सेफ रहे और जो दिन दहाड़े लूटपाट, चोरी, डकैती वगैरह हो रही है और बच्चियां जो स्कूल जाती हैं उनको स्कूल जाने में भी डर लगने लग गया है कि कुछ हो नहीं जाए, और पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं बच्ची के साथ छेड़खानी भी होती है तो वो आगे होके बताने में भी उनको असमर्थ महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं हम लड़की वाले हैं, हमारी लड़की का कहीं कुछ ऊंच नीच नहीं हो जाए, बदनामी नहीं हो जाए, तो ये डर है, ये कोप है जो कर रहे हैं इस तरह से गंदी हरकतें उनमें होना चाहिए, न कि पेरेंट्स में होना चाहिए, न बच्चियों में होना चाहिए। और हम यही निवेदन लेके एसडीएम साहब के पास आए हैं।